देखिए कितना सारा पानी गिर रहा है यहाँ पे, पूरा घर पानी गिरा तो पूरा। गैस इस पानी को कितना निकालो फिर भी इतना भरा ही रहता है। इसके वजह से मेरी नुकसानी एक तो ये मेरा जो कबर्ट है वो लकड़ी। हेलो, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी टाइम हुआ है 11:30 का और ध्रुवंश यहाँ पे आज छुट्टी, आज फिर से ध्रुवंश की छुट्टी है तो ऑनलाइन होमवर्क आया है तो अपना होमवर्क कर रहा है। वो संडे मंडे सैटरडे वो लिख रहा है, वो बहुत आसान होमवर्क आया है ऐसा बोल रहा है। वो लिखे गाइज बारिश की बात करूँ तो बारिश अभी भी फिलहाल तो स्टॉप है लेकिन स्टार्ट ही है। अगर और आपके यहाँ पे बारिश कितनी आ रही है वो कमेंट करके बताओ। हमारे यहाँ तो बहुत तेज बारिश आ रही है और सुबह से तो इतनी ज़्यादा आ रही थी, फिलहाल स्टॉप है लेकिन मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी वहाँ से आने वाली है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस वहाँ से फिर से बारिश आने वाली है, फिलहाल तो स्टॉप है लेकिन आएगी फिर से। तो बारिश अब स्टॉप हो जाए तो अच्छा है क्योंकि बारिश की वजह से बहुत परेशानी होती है। और हमारे यहाँ तो एक और परेशानी स्टार्ट हो चुकी है, पहले नहीं थी लेकिन अब हो चुकी है। अभी दिखाती हूँ, देखिए कितना सारा पानी गिर रहा है यहाँ पे, पूरा घर पानी गिरा तो पूरा घर भीग चुका है और यह समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे। फिलहाल तो इसे जो सभी गद्दे थे उसको मैंने ढक दिया है लेकिन देखिए अब क्या करें, बारिश स्टॉप होगी तभी इसका कुछ होगा वरना तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि बारिश स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसीलिए सब ये हो रहा है। तो बारिश जब भी स्टॉप होगी तो इसका काम भी कर देंगे। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल खाना पका लेती हूँ। देखिए गाइस इस पानी को कितना निकालो फिर भी इतना भरा ही रहता है। इसके वजह से मेरी नुकसानी एक तो ये मेरा जो कबर्ट है वो लकड़ी का बना हुआ है, वुडन का है, तो उसमें भी नुकसानी हो रही है सब कुछ। अब तो बारिश रुक जाए तो अच्छा है क्योंकि वरना तो क्या होगा कि हम इस समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्या होता है अब देखते हैं क्योंकि ये तो इतना ही नुकसान है लेकिन हमारे ज़िले में जो कुछ कुछ जगह पे इतनी बाढ़ आई है कि सभी लोगों की सारी सामग्री सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो इसके सामने तो हमारी तो ये समस्या छोटी है। तो देखिए दोस्तों उसके बाद दोपहर को मैं और महेंद्र, मेरा कुछ जरूरी काम था तो हम दोनों कोड़ीनार जा रहे थे। तो देखिए बारिश की वजह से खेतों में कितना सारा पानी है, इसमें लोग फसल भी क्या लेंगे, पूरा तालाब लग रहा है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई है हमारी साइड। और देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, बारिश का पानी खेतों का पानी इतना निकल रहा है जैसे कि कोई नदी ही समझ लो छोटी सी। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा पानी बाहर निकल रहा है, देख सकते हो आप। तो बारिश अब तो स्टॉप हो तो अच्छा है वरना तो क्या होगा कि सारा सब कुछ खेत का बर्बाद हो जाएगा फार्मर का। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि हमारे यहाँ बारिश अब स्टॉप हो जाए, इतनी ज़्यादा बारिश हमें नहीं चाहिए।
या लाइट भी चली गई है और दोपहर के बाद नहीं मिले थे। उसके बाद हम कोडिनार गए थे, थोड़ा सा काम था, तो ध्रुवन और ध्रुवेल पास में खेल रहे हैं। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। चलिए, अंधेरा तो है लेकिन मैं दिखाती हूँ अभी। यहाँ पे देखो, धुआं हो रहा है। और शायद ध्रुवन आ गया है। हाँ, वहाँ पे है कोई नहीं लावी, टिंगर जोई नहीं लावी, लावी नहीं थी, हास्य कस नहीं लावी, किंडो जोई नहीं लावी। देखिए, ध्रुवन सर ध्रुवील ऊपर चढ़ गए हैं, ऊपर टेरेस पे है। तो देखिए, वहाँ पे धुआं क्यों किया था इस टाइम सभी जगह पे, जिसके पास पशु है वो सब धुआं करते हैं। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि मच्छर मक्खी ये वो जो घर वाली मक्खी नहीं, वो जंगली मक्खी आती है तो पशुओं को परेशान करती है। तो इसकी वजह से ये लोग जिसके पास भी पशु है वो लोग इस टाइम बारिश के टाइम पे सभी धुआं करते हैं ताकि पशुओं को कोई तकलीफ ना हो। तो इसी वजह से वहाँ पे मैंने अभी दिखाया, वहाँ पे धुआं हो रहा है। और बारिश के टाइम हमें तो कुछ नहीं ऐसा प्रॉब्लम होता, लेकिन पशुओं को बहुत वो होता है, मच्छर काटते हैं। क्योंकि हम तो तभी भी कुछ मच्छरों के उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो लोग तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें हमारे पशुओं को भी, पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए, अब खाना पकाऊंगी, उसके बाद मिलती हूँ।